ঘূর্ণিঝড় এবালের জেরে যে বর্ষণ শুরু হয়েছিল তাতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে হাওড়ার নদীর জল। নদীর তীরে অবস্থিত বাড়িঘরগুলোতে প্রবেশ করছে জল, প্রাণ বাঁচাতে এক এক করে বাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ। বিশেষ করে কাটাখাল এবং শ্রীলঙ্কা বস্তি এলাকার মানুষ এই শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছেন। পাশাপাশি ওই সকল এলাকার মানুষদের সুরক্ষিতভাবে শিবিরে পৌঁছে দিতে প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকাগুলোতে দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এখন পর্যন্ত সদরে মোট 10টি ত্রাণ শিবির চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় 280 জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিষাদ কুমার। देखिए परसों से 26 तारीख की शाम से लगातार बारिश और आंधी तूफान चल रहा है, और जिसकी वजह से कई लो लाइंग एरियाज़ में पानी भर गया है, जैसे श्रीलंका बस्ती में और कटाखाल के आसपास के एरिया में। तो लगभग 280 के आसपास लोग डिस्प्लेस हुए हैं, और ये 10 जो हमारे रिलीफ सेंटर्स हैं खासकर सदर में, यहाँ पे सब रह रहे हैं। और सदर सब डिवीज़न और पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 घर पार्शली डैमेज हुए हैं, और कुछ दो से तीन घर कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं, और इन सभी लोगों को एडिक्वेटली रिलीफ सेंटर में भेजा जा चुका है, और जो भी इंटरिम रिलीफ है ये हम लोग दे चुके हैं। और इसके साथ साथ लगभग कई जगहों पर बिजली पेड़ गिरने की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन है इलेक्ट्रिक की, वो डिसमेंटल हो गई है। कुछ जगहों पे हम टेली कम्युनिकेशन के भी टावर्स में डिसरप्शन आया है, जिसकी वजह से टेलीफोन में भी कहीं कहीं समस्या हो रही है। परंतु हमारी जो टीम है टेली कम्युनिकेशन की, TSCCL की अथवा फॉरेस्ट की, ये इस सभी चीज़ों को सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किसी के भी शारीरिक नुकसान या किसी को इंजरी होने की अथवा किसी के किसी और तरह के हादसे की कोई न्यूज़ हमारे पास या इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो पानी का लेवल है नदियों में, इस पर हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ जगहों में जो क्रिटिकल लेवल है उससे रेज हो गया था लगभग 11 बजे से, लेकिन अब इसमें उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हम लोगों को लग रहा है, हम समझ पा रहे हैं IMDC से बात करके भी, कि सिचुएशन कंट्रोल में है, और जिन लोगों को किसी भी तरह की ज़रूरत हो रही है उसमें प्रशासन उनकी हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन आया है इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज़।